Hello everybody, this is my first video on JEE main exams. और इस वीडियो में मैं पिछले कुछ एग्जाम्स के पिछले मतलब 2020 के जो एग्जाम हुआ था JEE main उसके चैप्टर वाइज एग्जाम्पल्स यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ. देखिए मेरा सॉल्व करने का लॉजिक कुछ थोड़ा अलग होता है जो कॉमन सेंस यूज़ करके मैं करता हूँ, तो उससे दो फायदे हो जाते हैं. एक तो जल्दी एग्जांपल भी सॉल्व हो जाता है और बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना ज़्यादा स्टेप्स के, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए भी एग्जांपल हो जाता है. तो आइए देखते हैं फंक्शंस इस टॉपिक पे JEE मेन 2020 में पूछे गए 5 सवाल है. पहला क्वेश्चन है, फंक्शन दिया है और उस फंक्शन का इनवर्स पूछा है. देर इज अ मेथड, स्टैंडर्ड मेथड इन द बुक हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर लॉजिक क्या यूज करना है. देखिए फंक्शन जो है, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसमें अगर मैं एक्स के जगह ए पुटअप कर देता हूँ और मुझे वो फंक्शन बी आंसर देता है, और अगर फंक्शन का मुझे इनवर्स निकालना है, इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट होगा जब फंक्शन 1 एंड 2 होगा. अब यहाँ इस केस में इनवर्स पूछा है तो इसका मतलब फंक्शन मस्ट बी 1 एंड 2. तो कोई फंक्शन है, कोई ये नहीं जो दिया है, एनी फंक्शन, उसमें मैं एक्स की जगह ए पुटअप करता हूँ, मुझे बी वैल्यू देता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस फंक्शन के इनवर्स में जब मैं बी पुटअप करूंगा तो उस इनवर्स ने मुझे ए वैल्यू देना चाहिए. ये है सिंपल लॉजिक ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो उसी का इस्तेमाल मैं करूंगा यहां पर. तो फंक्शन जो मुझे दिया गया है यहां पर एफ ऑफ एक्स, उसको थोड़ा मैं सिंपलीफाई फॉर्म में लिखता हूं क्योंकि यहां पर इंडेक्स पावर्स पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, तो मैं ये जो माइनस टू एक्स वाला है ये थोड़ा मैं हटाना चाहता हूं. तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर बाय 8 to the power 2x, तो ये हो जाएगा 8 to the power 4x, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 8 to the power 4x और नीचे हो जाएगा +1. अब यहाँ पर मैं x की कुछ सुटेबल वैल्यू पुटअप करना है मुझे. मैं 0 भी पुटअप कर सकता हूँ, लेकिन 0 यहाँ पुटअप करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और सारे ऑप्शन भी 0 आते हैं तो मैं एक ऑप्शन डिसाइड नहीं कर पाऊंगा. दैट्स वाई 0 के अलावा मैं यहाँ कुछ रखता हूँ ताकि ये 4 भी कैंसिल हो जाए और सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए. तो बेटर है एक्स के जगह मैं पुटअप करता हूँ 1/4. इससे हो जाएगा एफ ऑफ 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ जब मैं 1/4 रखूंगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 raised to 1 8, 8 - 1 is 7, तो ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में 7, डिनोमिनेटर में 8 + 1 9. तो इसका मतलब इस फंक्शन ने 1/4 पुटअप करने के बाद 7/9 आंसर दिया, तो इसका मतलब इसके इनवर्स में मैं जब 7/9 पुटअप करूंगा तो आंसर मुझे मिलना चाहिए 1/4. अब कौन सा इनवर्स है, तो अरे भाई 4 ऑप्शंस दिए हैं, उन ऑप्शन में से कोई एक होगा, मैं क्यों ढूंढू, है ना. तो फर्स्ट ऑप्शन अगर सही आंसर है तो उसमें मैं अगर 7/9 पुटअप करता हूं तो आंसर मुझे अगर 1/4 मिलता है तो वो आंसर सही है, नहीं मिलता है तो वो आंसर गलत है. तो मैं ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर रहा हूं, 1/4 log to the base 8, ठीक है. यहां पर रहेगा 1 प्लस एक्स के जगह मैं पुटअप करूंगा 7/9, इधर आएगा 1 - 7/9, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा 1/4 log to the base 8, और अंदर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 7, और ये हो जाएगा 9 - 7, ठीक है. तो ये हो जाएगा 1/4 log to the base 8, ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 2, 16 upon 2 is 8, log का बेस भी 8 है, ये 8 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा. तो आंसर इज 1/4, और मुझे क्या चाहिए था, 1/4 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. अगला सवाल है, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ 4x2, आप देख लीजिए इसको, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5/4. अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे 8-10 स्टेप करेंगे तो मतलब नहीं है, क्योंकि उतना टाइम तो मेरे पास है नहीं. ये सिंपल लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें लॉजिक ये है कि भाई मेरे को निकालना है फंक्शन की वैल्यू एट 5/4, है ना. तो यहां तो ये एफ है ही नहीं, तो ये तो मुझे आंसर देगा नहीं. यहां एफ है, वो भी अंदर है, जी के अंदर. तो चलिए मैं इस इक्वेशन में एक्स की जगह 5/4 पुटअप कर देता हूं.
तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 5 बाय 4, x की जगह मैंने रख दिया। अब राइट साइड में भी जहां जहां x है वहां 5 अपॉन 4 रखना होगा, तो 5 बाय 4 का स्क्वायर आ जाएगा 25 अपॉन 16, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा 25 अपॉन 4, x की जगह 5 बाय 4 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 50 अपॉन 4 और ये प्लस 5 एज इट इज। पहले दो टर्म्स का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 4 प्लस 5 और इसको हम ऐड करेंगे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, माइनस 25 प्लस 20 और मुझे आंसर मिला माइनस 5 बाय 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि g के अंदर ये f ऑफ 5 बाय 4 जो भी है, आई डोंट नो हु इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, लेकिन वो आंसर देना चाहिए उसने माइनस 5 बाय 4। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 5 बाय 4, ये तो सवाल है। अब इसका आंसर मैं क्यों ढूंढू ना, इसका आंसर तो चार ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर मैं ऑप्शन नंबर 1 अगर सही है तो इसके वैल्यू अगर मैं 1 बाय 2 लेता हूं और इस 1 बाय 2 को मैं g के अंदर रख देता हूं तो ये g ने भी इतना ही आंसर देना चाहिए। अगर उसने दिया तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, नहीं दिया तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है g, इसमें हम रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन g ऑफ x की जगह फर्स्ट ऑप्शन, तो आंसर आ जाएगा 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 प्लस x की जगह 1 बाय 2 माइनस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे 4, यहाँ 2 मल्टीप्लाई ऊपर 2 मल्टीप्लाई इधर 4 और ये 4, कॉमन डिनोमिनेटर 4 हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, तो आपको आंसर मिल गया माइनस 1 बाय 4 और आपको कितना चाहिए था माइनस 5 बाय 4। तो मैच नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो अभी ऑप्शन नंबर 2 डाल देते हैं, g ऑफ माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर आता है 1 बाय 4, यहाँ x की जगह माइनस 1 बाय 2 आ गया और ये माइनस 1, इसके भी हम डिनोमिनेटर सब 4 कर लेते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इधर 4 मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, तो ये 4 हो गया तो ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 माइनस 4, व्हाट इज दिस माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 बाय 4 और हमें कितना चाहिए था उतना ही चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सिंपल। चलिए फास्टली हम तीसरा भी देखते हैं। ओ माय गॉड, तीसरे में पूछा है फंक्शन जिसका डोमेन ओपन इंटरवल 1 2 3 है और फंक्शन भी दिया है और फंक्शन में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इन्वॉल्व है और उस फंक्शन का रेंज पूछा है, वेरी गुड। अब डोमेन जो है ना, ठीक से देख लीजिए, वो 1 और 3 ओपन इंटरवल है, मतलब 1 और 3 इंक्लूड नहीं है। अब इंक्लूड नहीं है तो मेरा ये सिंपल लॉजिक ये कहता है कि डोमेन में जितने एलिमेंट रहेंगे उसका कोई भी वैल्यू उस डोमेन का हम फंक्शन में डालेंगे तो उसका आंसर कहाँ रहेगा, रेंज में रहेगा। तो वो रेंज ढूंढना है, रेंज मैं क्यों ढूंढू यार, रेंज तो चार ऑप्शंस में दिया है, मुझे सिर्फ वो ऑप्शन डिसाइड करना है कि हु विल बिकम द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां पर मैं लॉजिक यूज करता हूं कि मेरा डोमेन है ओपन इंटरवल 1 2 3, इसका मतलब 1 इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन फिर भी मैं 1 लेता हूं, हालांकि डोमेन में नहीं है लेकिन मैं ले रहा हूं और इसको अगर मैं फंक्शन में पुटअप कर देता हूं तो इसका जो भी आंसर आएगा, क्योंकि 1 तो डोमेन में था ही नहीं, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो भी नहीं रहेगा किधर, रेंज में, इज इट राइट। तो इसलिए मैं इसका आंसर निकालता हूं और मैं देखता हूं कि ये आंसर किसमें है, जिसमें है वो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सपेक्टेड तो ये है कि 1 इज नॉट इन द डोमेन, देयरफॉर इट्स अ आंसर गिवन बाय द फंक्शन इज आल्सो नॉट इंक्लूड इन द रेंज। तो चलिए पहले हम निकालते हैं f ऑफ 1 का आंसर, f ऑफ 1 अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1 तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 तो आपका आंसर, सॉरी 1 प्लस 1 तो आपका आंसर आ गया 1 बाय 2, 1 बाय 2 को डेसिमल में हम लिखते 0.5, इसका मतलब आपके डोमेन सॉरी रेंज में 0.5 नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहां भी ओपन इंटरवल है 1 बाय 2 तो इसका मतलब यहां 0.5 नहीं है तो यह आंसर हो सकता है, यहां भी 1 बाय 2 है ओपन इंटरवल मतलब यहां भी 0.5 नहीं है तो ये भी आंसर बी सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन यहां देखिए 2 बाय 5 मतलब 0.4, 0.4 से लेके 1 तक बीच में 0.5 आता है और ये 0.5 रेंज में होना ही नहीं चाहिए
लेकिन यहाँ पे है इसलिए ऑप्शन नंबर थ्री हो ही नहीं सकता. ऑप्शन नंबर फोर में भी जीरो से लेके वन बाई थ्री मतलब 0.33 है तो इसमें भी नहीं है, लेकिन यहां पर है 0.4 से लेके 0.8, 0.4 से 0.8 के बीच में 0.5 आता है और रेंज में तो होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए हम आराम से ऑप्शन नंबर थ्री और ऑप्शन नंबर फोर को रिजेक्ट करेंगे. अब रहा सवाल who will be the correct, which will be the correct answer, one या two. अब उसके लिए हमको फिर x के जगह लास्ट एलिमेंट 3 डालना है. इसका भी जो आंसर आएगा वो रेंज में नहीं होना चाहिए क्योंकि डोमेन में 3 है ही नहीं, राइट. तो हम कैलकुलेट करते हैं x के जगह 3 का एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 तो ऊपर हो गया 9/10 मतलब 0.9. ये आंसर रेंज में होना नहीं चाहिए. अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन में 3/5 मतलब 0.6 से शुरू हुआ इंटरवल और ये है 7/5 मतलब 1.4 या 1.4. तो इसका मतलब 0.6 से 1.4 के बीच में 0.9 आता है. यहां पर आना नहीं चाहिए था इसलिए ऑप्शन नंबर वन इसका रेंज हो नहीं सकता. देयरफॉर ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर. चलिए फट से आगे बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल. वॉट इज दिस? fx and gx are continuous functions, okay? F composite g is identity function. और g dash b equal to 5 दिया है, g of b equal to a दिया है और f dash a पूछा है. Dash means derivative. Okay, what is given? F composite g is identity. Identity मतलब जब इसमें हम x put up करेंगे तो answer x आएगा, क्योंकि identity है. तो composition का मतलब होता है like this. अब हमें डैश का इस्तेमाल भी करना है और डैश का डेरिवेटिव भी निकालना है तो चलिए डेरिवेटिव ले लेते हैं. कंपोजिशन रूल यूज करेंगे. एफ का पहले डेरिवेटिव, अंदर का फंक्शन जो है वह एज इट इज, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव जी, फिर एक्स एज इट इज, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 और इधर का एक्स का डेरिवेटिव 1. और इसमें हम हमारे पास जी डैश बी का वैल्यू है 5 तो एक्स की जगह बी पुटअप करेंगे तो पुट एक्स इक्वल टू बी तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश जी ऑफ बी राइट is into g dash of b is equal to 1. g dash b कितना है 5 तो ये 5 हो गया और g of b कितना है a और ये हो गया f dash और equal to what 1. तो what is the answer of f dash a? That is 1/5. किधर है ये 1/5? सेकंड ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. आखिरी सवाल. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. Number of solutions of this function where x having the domain x belongs to 0 to 2 pi. Okay, function दिखने में थोड़ा complicated है लेकिन दो log है, दोनों log को एक तरफ लेते हैं हम तो log to the base 1/2 sin x plus log to the base 1/2 cos x is equal to 2 हो गया. log की property log a plus log b is log a into b तो log to the base 1/2 इधर हो गया sin x into cos x is equal to 2. अब log को हटाना है तो इधर हो जाएगा mod of sin x into cos x is equal to log का base था 1/2 और उसके सर पे 2 हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 1/4. mod को हटाना है तो हमें squaring करना होगा तो ये हो जाएगा sin square x into cos square x is equal to 1/16. फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ. ओके तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और ये हो जाता है आपका sin 2x का होल स्क्वायर. हम रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 1/2. वैसे आप यहां भी 2 मल्टीप्लाई करके मॉड को हटा देंगे तो डायरेक्ट प्लस माइनस ले सकते थे. ओके तो ये हमारा टाइम और भी बच जाता था. तो हमें मिला sin of 2x is equal to 1/2 as well as sin of 2x is equal to minus 1/2. All right, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके निकालेंगे और हमको सिर्फ एक पूरे चारों क्वाड्रेंट में देखना है क्योंकि x belongs to 0 to 2 pi. तो sin 30 वैसे sin 30 degree 1/2 होता है और सेकंड क्वार्टर में भी साइन पॉजिटिव होता है तो 180 में से 30 माइनस करेंगे तो साइन 150 डिग्री भी 1/2 आएगा. ओके लेकिन यहाँ पर 2x है तो ये 30 डिग्री 2x का आंसर होना चाहिए तो 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री तो x हो गया 15 डिग्री और 2x इज इक्वल टू 150 डिग्री तो x हो गया 75 डिग्री. दोनों फर्स्ट क्वार्टर में है
तो ये दो सॉल्यूशन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिले. अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी सॉल्यूशन मिलेगा. तो सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 180 में से 15 माइनस कीजिए तो 165 डिग्री भी आपको 1/2 देगा. यहां रखेंगे आप, यहां रखेंगे 2x में, क्योंकि 165 इंटू 2 होगा और फिर वो 1/2 देगा. ठीक है, और ये x को आप हटाएंगे 180 माइनस 75 इज 105 x इज इक्वल टू 105 डिग्री. तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये भी आंसर देगा. तो टोटल हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 1/2 के लिए x के वैल्यूज मिले 4. अगर आप इसकी डायग्राम निकालेंगे, ये 15 डिग्री 75 डिग्री, तो देखिए ये 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 आपका 15 डिग्री है और ये आपका 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री. तो ये जब नीचे आएगा तो एक आंसर देगा -1/2 के लिए, ये भी जब नीचे आएगा तो -1/2 के लिए आंसर देगा. आपका दूसरा है 165, तो ये है तो वो भी नीचे आएगा तो ये -1/2 के लिए आंसर देगा. और दूसरा है 105, वो कुछ ऐसा है तो वो नीचे आएगा तो -1/2. तो ये नीचे के चार जो है -1/2 के लिए आंसर देंगे और ऊपर के चार जो है 1/2 के लिए आंसर देंगे. तो 4 और 4 8 हो गए, इसलिए साइन 2x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2 के लिए हमें टोटल सॉल्यूशन मिलते हैं 8, और हमें कौन से ऑप्शन में 8 दिया है, 4, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है. इतने ही ऑप्शंस 2020 में फंक्शंस पे डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में पूछे गए थे. तो ख्याल रखिए अपना खुद का. गुड बाय.